मंजिलें मिल ही जाएंगे एक दिन, इस हौसले से चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, खुद से हमने ये वादा किया है। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप नेत्री में सांझा रेडियो 90.8 एफएम पर अपनी दोस्त आरजे अनमोल के साथ, और साथ ही साथ अलका गर्ग जी के साथ भी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और समाज के हित में कार्य कर रही हैं, खासकर महिलाओं के हित में। तो मैम, अब फिर से एक सवाल आता है, आपने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है उनको आगे लाने के लिए, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं, क्या आप मैसेज देना चाहती हैं महिलाओं को कि किस तरह से उन्हें आगे आना चाहिए या अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहिए। मेरा महिलाओं के लिए ये संदेश रहेगा कि आप देखिए, जो पुराना टाइम था वहां पर औरतों को कितना दबाकर रखा जाता था। हम अपनी माँ का या अपनी दादी का ही उदाहरण देख लें, और हम उनसे अगर आज खुद को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि वो उस टाइम पे कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो हमें जब मौका मिला है तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आज हमारी सरकार या कितने ही समाजसेवी हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी, हमारी इच्छा शक्ति नहीं जागेगी, तब तक हमारे लिए कोई कितना मर्जी काम कर ले, हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। तो मेरी महिलाओं से, मेरी बहनों से यही निवेदन है कि आज हमें मौका मिला है तो हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, और सही मायनों में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में सिर्फ पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आज हम वो मौका खो देंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे। तो मेरा महिलाओं से यही है कहना कि आगे बढ़े, हमें मौका मिला है, आज हमारे माँ बाप की सोच बदली है, बेटियों को लेकर बदली है, तो हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, हमें अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी को अबला कहते हैं, नारी अबला कैसे हो सकती है, वो नारी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोद में झुलाया, पालने में झुलाया, वो नारी जिसने भगवान राम को पैदा किया, जिसने भगवान कृष्ण को पैदा किया, वो नारी अबला कैसे हो सकती है। तो नारी तो कभी अबला थी ही नहीं, लेकिन एक समाज ने नारी को अबला समझा, उसको अबला बनाया। क्या जरूरी है कि पुरुष समाज अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नारी को अबला कहे? क्या नारी को अबला कहकर ही एक पुरुष समाज अपने आप को महान बता सकता है? नहीं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नारी को अबला मत बनाए, नारी अबला नहीं है। और जब तक एक नारी खुद ये नहीं मान लेती कि वो अबला नहीं है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरा यही कहना है कि औरतों को खुद आगे आना चाहिए, मौका मिला है तो उसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी फैमिली, हमारा समाज बेटियों को ये बोलता है कि आपने अपनी इच्छा से पढ़ाई कर ली है, अपनी जिंदगी के 20-25 साल गुजार लिए हैं, अब आपको शादी करनी चाहिए और अपनी ससुराल वालों की बात माननी चाहिए, जैसे वो आपको कहते हैं, जहां नौकरी करने को कहते हैं वही काम करना चाहिए, तो इस बात पर आपके अपने क्या विचार आप व्यक्त करना चाहेंगी? हाँ, यही एक बात है जो हमारी बेटियों को पीछे करती है जी। क्योंकि हम आज हमारी सोच बदली है सिर्फ ये कि हमें बेटियों को पढ़ाना है, लेकिन क्या बेटियों को पढ़ाना ही सही मायनों में बेटे को बचाना है? नहीं, बेटी को बचाना है कैसे? जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, जब तक हम एक बेटी को ये समझाएंगे कि नहीं, उसे सिर्फ पढ़ना है और शादी करके दूसरे घर जाना है, तब तक हमारी बेटियां नहीं बचेंगी। हमारी बेटियां सही मायनों में तभी बचेंगी और उनकी पढ़ाई सही मायनों में तभी सार्थक होगी जब वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी। क्योंकि जब एक बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तब वो कभी भी ना माँ बाप के लिए और ना समाज के लिए, ना ससुराल के लिए कभी बोझ नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक बेटियों के हाथ फैले रहेंगे, वो बोझ ही बनी रहेंगी, क्योंकि मांगने वाला हमेशा देने वाले से छोटा ही होता है और वो हमेशा मांगने वाले पर बोझ बना रहता है। जब तक बेटियां स्वावलंबी बनेंगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तब सही मायनों में हमारी बेटियां बचेंगी। बहुत अच्छी बात आपने हमें यहाँ बताई, और मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स जितने भी अभी सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज सोच रहे होंगे कि बेटियों को केवल शादी तक ही हमें सीमित नहीं रखना है, हमें उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो दोस्तों, आप कितना सहमत हैं या फिर आप इन बातों को लेकर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो फोन कीजिए हमें 9541296709 पर। वक्त हो चुका है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार होंगी और भी बातें आपके अपने सांझा रेडियो 90.8 एफएम के कार्यक्रम नेत्री में।